Now our next topic is electric potential energy. Suppose we have a plus Q1 charge is situated in this place, and the electric potential due to this Q1 at point B is V1 is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R. R is the distance between this Q1 to B point. Now let us suppose another charge Q2 is at infinity. Then work done to bring this charge from infinity to this point B is work done is equals to Q2 into V. All this potential V1. Now, the potential energy is the work done due to the whole system, that is Q1 plus Q2 system. Then work done is W equals to Q2 into V1. From equation 1 and 2, Q2 equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R. This work done is stored as a potential energy of the system, that is U is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R. This is the electric potential energy. Now let us suppose we have another charges Q1, Q2, minus Q3. Then the work done due to this system Q1, Q2 and minus Q3 charge is U is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1, Q2 upon R1 plus Q2 minus Q3 upon R2 and minus Q3 Q1 upon R3, where R1, R2 and R3 be the distances between Q1 to Q2, Q2 to Q3 and Q3 to Q1 respectively. This is potential energy due to this Q1, Q2 and minus Q3 charge. अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी में भी हमको उसकी वैल्यू एज इट इज नेगेटिव साइन के साथ ही पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे माइनस का Q2 Q3 अपॉन R2 जाएगा, यहाँ पर माइनस का Q3 Q1 अपॉन R3। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के चैप्टर में वहां पढ़ा था टॉर्क एक्टिंग ड्यू टू डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
वहां से हमारे पास टॉर्क की वैल्यू थी टॉर्क इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, दैट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड कैपिटल ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ स्मॉल वर्क डन ड्यू टू दिस टॉर्क Torque is just a force acting in rotatory motion. Then dW is equals to tau into d theta. This tau is the rotatory force. D theta is the angular displacement. Then work done is equals to force into displacement. Angular force into angular displacement. Now putting this value in equation, this 2 from 1 and 2. Total work done, W equals to, कोई भी अगर हमारे पास यहां पे एंगल काम कर रहा होगा तो उसको हम इनिशियली 0 से थीटा तक रोटेट कर रहे होंगे. W equals to PE constant है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, 0 to theta sin theta d theta. This is the electric dipole moment and electric field, both are constant. Then W equals to PE sin theta का हमारे पास हो जाएगा minus cos theta and limit हमारे पास हो जाएगी 0 से theta. W इक्वल्स क्या रहेगा, PE थीटा अप्लाई करेंगे तो थीटा रहेगा, 0 अप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस cos थीटा. सबसे पहले थीटा को अप्लाई करेंगे तो माइनस cos थीटा रहेगा, माइनस माइनस cos थीटा होगा तो माइनस 0 की वैल्यू दैट इज पॉजिटिव 1. तो W इक्वल्स टू PE 1 माइनस cos थीटा. This is the work done due to dipole in electric field. सीधा सा हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वहां पर हमारे पास उस डायपोल के ऊपर क्या काम करेगा, एक टॉर्क काम करेगा. एक टॉर्क काम करेगा तो टॉर्क के ऊपर हमको वहां पे वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन हमारे पास किया जाएगा. अब यहां पर दो केस डेवलप होते हैं. केस फर्स्ट, इफ थीटा इज 90 डिग्री, देन W इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा, ये सिर्फ 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, दैट इज W इज इक्वल्स टू PE. थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, अगर हम उस इलेक्ट्रिक डायपोल को 180 डिग्री पे जैसा है वैसा ही क्या करें, रोटेट कर दें, तो हमारे पास यहां पे वर्क डन हो जाएगा, वो आ जाएगा PE 1 माइनस cos 180. cos 180 की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 होती है, दैट इज ये प्लस 1 हो जाएगा, तो 2PE, दैट इज PE 1 माइनस cos 180. cos 180 की वैल्यू माइनस 1, दैट इज W इज इक्वल्स टू PE 1 माइनस माइनस 1, दैट इज W इज इक्वल्स टू 2PE, विच इज द मैक्सिमम वर्क डन. यहीं से अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हमारे पास W इज इक्वल टू हमारे पास यहां पे आया था PE माइनस cos थीटा, ठीक है, दैट इज दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक डायपोल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा, और यू कैन राइट दिस U इक्वल्स टू
minus P dot E. This is the vector form of this potential energy.